हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर राधा कृष्णा धवानी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है हम उसको देखेंगे। इन फ्यूचर में भी ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, सो वी शुड कीप आई ऑन दिस कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आर के धमानी की बात करें तो इनका स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस अराउंड 40 इयर्स का है। डीमार्ट का नाम सबने सुना ही होगा, ये इनके फाउंडर हैं। इन फरवरी 2020 ये इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। अब करेंटली ही इज सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है। हम आपको कंपनी का नाम बताएंगे, देन उस कंपनी में इनका होल्डिंग परसेंटेज क्या है और फिर उसका होल्डिंग वैल्यू क्या है। इन लास्ट ब्रीफली हम आपको उस कंपनी के बारे में भी बताएंगे। आर के धमानी का नाम सुनते ही जो कंपनी सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इस कंपनी के फाउंडर हैं और इनके पास 51.48% का स्टेक है, जिसका वैल्यू क्लोज टू 72,000 करोड़ है। डीमार्ट एक ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप है लाइक बिग बाजार एंड रिलायंस फ्रेश, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। सेकेंड कंपनी की बात करें तो वो कंपनी है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। इस कंपनी में धमानी सर का स्टेक 11.63% है, जिसकी वैल्यू 422 करोड़ है। ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट है इन साउथ इंडिया। ये कंपनी बिलोंग्स टू एन श्रीनिवासन, जो कि आईसीसी के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, एंड चेन्नई सुपर किंग्स भी इंडियन सीमेंट का ही सब्सिडरी है। थर्ड कंपनी इज वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस कंपनी में इनका स्टेक क्लोज टू 5% है, जिसकी वैल्यू 256 करोड़ है। वीएसटी लिमिटेड टबैको प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे कि सिगरेट, टबैको लिप्स। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, जो कि पैरेंट होल्डिंग कंपनी है आईटीसी लिमिटेड का, वो भी वीएसटी में 32% स्टेक होल्ड करता है। ये कंपनी पास में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। फोर्थ कंपनी है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, और इस कंपनी में इनका स्टेक 1.17% है, जिसकी वैल्यू 28 करोड़ के अराउंड है। ये कंपनी का मेन बिजनेस गेमिंग में है, उसमें भी इनका मेन फोकस कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पे होता है। इस कंपनी पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिफ्थ कंपनी है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। इस कंपनी में इनका स्टेक 2.09% है, जिसकी वैल्यू 15.2 करोड़ है। ये कंपनी भी जस्ट लाइक डीमार्ट ऑर्गेनाइज रिटेल में ही काम करता है। इस कंपनी के पास टोटल 120 स्टोर्स हैं, इंक्लूडिंग 37 हाइपर स्टोर्स इन 35 कंट्रीज इन इंडिया। सिक्स्थ कंपनी है फूड्स एंड इन लिमिटेड, एंड इस कंपनी में इनका स्टेक 4.72% है, जिसका वैल्यू क्लोज टू 12 करोड़ है। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फूड पल्प एंड कॉन्सेंट्रेटर है। इस कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 250 करोड़ है, और ये वन ऑफ द लीडर है अपने सेगमेंट में। सेवेंथ कंपनी की बात करें तो ये है बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड। इसमें दमानी जी का स्टेक 1.30% है, जिसकी वैल्यू क्लोज टू 11 करोड़ है। ये कंपनी विंड पावर जनरेशन में काम करती है एंड ऑपरेट्स इन टू सेगमेंट, विंड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 900 करोड़ है। इस कंपनी में डेप्ट बहुत ज़्यादा है। अगर इन फ्यूचर ये कंपनी अपना डेप्ट कम करती है तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर करेंटली बहुत हॉट सेक्टर है। एट्थ कंपनी की बात करें तो ये है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, एंड इस कंपनी में आर के धमानी जी का स्टेक 1.03% है, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट एंड सब सिस्टम कंपोनेंट में है, जो यूज़ होता है इन एरिया ऑफ डिफेंस, स्पेस एंड सिविल कम्युनिकेशन सिस्टम। नाइन्थ कंपनी है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें इनका स्टेक 2.28% है और जिसकी वैल्यू 5 करोड़ है। ये कंपनी है इन बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इस कंपनी का मार्केट कैप 215 करोड़ है और करंटली ये स्टॉक 37 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, टेंथ कंपनी है प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, वेयर दवानी जी का स्टेक 1.26% है, जिसकी वैल्यू क्लोज टू 3.2 करोड़ है।
ये कंपनी लैंड एक्वायर करके उस पर रिटेल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलप करती है, जैसे कि मॉल, हाउसिंग सोसाइटी। लास्ट कंपनी की बात करें तो ये है काया लिमिटेड, जिसमें दमानी जी का स्टेक 1.1% है और जिसकी वैल्यू 3 करोड़ है। काया के क्लिनिक्स हैं जो ऑफर करते हैं स्किन एंड हेयर केयर सॉल्यूशन। ये कंपनी ऑफर करता है लिस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक स्किन ग्लो फेशियल, फेयरनेस एंड डीप पिगमेंटेशन, यूथफुल स्किन, लेजर हेयर रिमूवर और बहुत सारे सर्विसेज हैं। और आज के सोसाइटी को देखते हुए ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टवेंच। थैंक यू।